अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, PSY 401 लेसन नंबर 9 है, एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हम ये हाइलाइटेड पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। एथिकल स्टैंडर्ड्स के जो हम प्रिंसिपल हैं वहाँ से हम देखेंगे, जनरल प्रिंसिपल से। पहला है प्रिंसिपल ए, बेनिफिसेंस एंड नॉन मेलिफिसियंस। ज़्यादा से ज़्यादा वो कंडीशंस पैदा करना जो क्लाइंट के फ़ायदे के लिए है। जो भी काम साइकोलॉजिस्ट करे वो क्लाइंट की बेहतरी के लिए हो, और काम के दौरान क्लाइंट के राइट्स की जो है वो उसका ख्याल रखे। सेकंड, फिडेलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह रहा है कि इसमें इस चीज़ की कोशिश की जाती है कि क्लाइंट और थेरेपिस्ट के दरम्यान ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट रहे और उस ट्रस्ट को ब्रेक ना होने दिया जाए। इंटेग्रिटी या प्रिंसिपल सी, साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो हर बात ऑनेस्टी से करे, ऑनेस्टली करे। क्लाइंट को कोई सब्ज बाग ना दिखाए, इसके साथ कोई ऐसी कमिटमेंट ना करे जिसे बाद में वो पूरा ना कर सके। नंबर प्रिंसिपल डी जो है वो है जस्टिस। अपने क्लाइंट के साथ हमेशा फेयर रहें, किसी भी मामले में इसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ उसे बतानी ज़रूरी है वो इसे अच्छे तरीके से और पूरी तरह एक्सप्लेन की जाए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ई, रिस्पेक्ट फॉर पीपल राइट्स एंड डिग्निटी। मसलन क्लाइंट ऐसे फ़िरके या मजहब से ताल्लुक़ रखता है जो आपसे बहुत मुख्तलिफ है, तो आप इसको बाइसिस को जो है दरमियान में ना आने दें। एथिकल स्टैंडर्ड्स, रिजॉल्विंग एथिकल इश्यूज, मिस यूज़ ऑफ साइकोलॉजिस्ट वर्क। हमारा काम या हम किस चीज़ के मुतालिक कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं तो हमारी वर्डिंग इस तरह की होनी चाहिए कि इससे कोई मिस यूज़ ना कर सके। बाज़ अवक़ात हमारे काम के साथ इलाके के मखसूस रूल्स कन्फ्लिक्ट करते हैं, वहाँ पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोकल लॉज के मुताबिक चलें। पॉइंट टू में ये बात करें जो मैंने आपको बता दी, एथिकल स्टैंडर्ड्स और कन्फ्लिक्ट अगर आते हैं तो हम इलाके ऑर्गेनाइजेशन की जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करें। उसके अलावा यहाँ पे कह रहा है कि 5 नंबर पॉइंट में कह रहा है 1.05 में, रिपोर्टिंग एथिकल वॉयलेशंस। अगर आप किसी की पहले से लिखी गई रिपोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें अपने मुताबिक तब्दीली लाना चाहते हैं तो पहले हायर अथॉरिटी से इजाज़त लेने की ज़रूरत है। कोऑपरेटिंग विद एथिकल कमेटीज़, साइकोलॉजिस्ट के लिए ज़रूरी है कि जो एथिक्स कमेटी की डिमांड हैं इनको भी वो पूरा करें। इम्प्रॉपर कंप्लेंट्स ऐसे इश्यूज़ को आगे लेकर ना जाएं जिनके पीछे ज़्यादा ख़ास फैक्ट्स नहीं होते। आगे दूसरी चीज़ है कम्पिटेंस। इसमें ये देखना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, लिमिट्स क्या हैं, हम क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं। साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है सिर्फ उसी के रिलेटेड वो काम करें। आगे है इसके अंदर सारा ओवरऑल ये बयान किया गया। वैसे लेसन जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। टॉपिक स्किप मैं कोई नहीं करूँगा, लेकिन जो है वो एक टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही आपके साथ डिस्कस करूँगा। प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन एमरजेंसीज, एमरजेंसी की सूरत में अगर हमें किसी मरीज़ के साथ डील करना पड़ जाए, चाहे हमारा इस काम में ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, हमें चाहिए कि जिस हद तक हो सके अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें। मेंटेनिंग कम्पिटेंस, हमें अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, हमें पता हो कि रिसर्च क्या बता रही है और इनमें क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। आगे डेलीगेशन वर्क टू अदर्स, अब बाज़ औक़ात हमारे साथ हमारे जूनियर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो ये ज़रूरी है कि जब हम किसी अपने किसी सबऑर्डिनेट को काम दें तो हमें पता होना चाहिए कि वो उस स्पेसिफिक काम के काबिल है या नहीं, वो काम कर सकता है या नहीं। पर्सनल प्रॉब्लम कन्फ्लिक्ट, हमें अपने पर्सनल मसाइल का भी पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम किन एरियाज़ में कमज़ोर हैं और इस एरिया से मुतलिक सर्विस हम प्रोवाइड ना करें। ह्यूमन रिलेशंस, अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन है इसमें कि हमें चाहिए कि हम अपने क्लाइंट्स को इनके बैकग्राउंड्स, रंग, नस्ल, जात वगैरह की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेट ना करें। हरासमेंट है, आप अपने क्लाइंट को किसी ऐसी सूरत में ना डालें कि जिसकी वजह से नहीं लगे कि वो आप उनके साथ किसी किस्म की ज़्यादती कर रहे हैं। अवॉइडिंग हार्म है, कोई ऐसा स्टेप ना उठाएं जो क्लाइंट के लिए हार्मफुल हो।
मल्टीपल रिलेशनशिप्स है, यानी कि एक से ज़्यादा लेवल पर ताल्लुक कायम करना। एक ताल्लुक तो वो होता है जो साइकोलॉजिस्ट और क्लाइंट के दरमियान होता है। हो सकता है कि क्लाइंट साइकोलॉजिस्ट का भाई हो, ऐसी सूरत में साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो इसे किसी दूसरे साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करे। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन वाले काम से फारिग करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके ख्याल से ये अनएथिकल है तो आपको अपनी राय देना भी ज़रूरी होता है। थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज, अगर आपके पास कोई क्लाइंट किसी ऑर्गेनाइजेशन से रेफ़र किया गया है तो इस क्लाइंट को बताना ज़रूरी है कि उसे किस मकसद के लिए रेफ़र किया गया है। एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप, आपका ताल्लुक क्लाइंट से नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि इससे ऐसा कोई भी तरीका ना इख्तियार करें जिससे क्लाइंट को नुकसान पहुंच सके। इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, यानी कि जो भी चीज़ है प्रोसीजर सारा जो है मकसद एक्सपेरिमेंट का क्लाइंट को बताना चाहिए, उसके रिजल्ट्स भी बताने चाहिए, कोई चीज़ उससे छुपानी नहीं चाहिए। साइकोलॉजिकल सर्विसेज डिलीवर्ड टू और थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, वही ऊपर वाली बात कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कह रही है किसी बंदे को जज करना है तो कौन कौन से रूल होंगे, क्या हिसाब होगा कि उसको बताना है बंदे को। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखें, जो बंदा क्लाइंट आपको बातें बताता है वो किसी और के साथ शेयर ना करें। उसकी रिपोर्ट जो है वो किसी मकसद के लिए, कोई ख़ास मकसद है मतलब उसको शेयर करना है, आपने कोई पॉजिटिव मकसद है किसी के साथ कंसल्ट करना है, तो उसकी जो है आइडेंटिटी को शो पहचान उसकी आइडेंटिटी उसको शो होने ना दें। उसके अलावा यहाँ पे लिमिट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी लिखे हुए हैं, यानी किन सूरतों में आप कॉन्फिडेंशियल ब्रेक कर सकते हैं, किन सूरतों में नहीं कर सकते। कोई क्रिमिनल है जिस आप समझते हैं कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है तो बताना ज़रूरी है दूसरों को, उसके रिलेटिव्स को या अथॉरिटीज़ को। रिकॉर्डिंग करते हुए जो आप करते हैं उसकी एंडोर्समेंट कर रहे होते हैं, असेसमेंट कर रहे होते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी साथ साथ कर सकते हैं, तो उसको भी प्राइवेट रखना ज़रूरी है। प्राइवेसी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ। डिस्क्लोजर भी वही कि कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक ना होने दें, उसकी बातों को जो है अगर कंप्यूटर में सेव है तो किसी ऐसी फाइल में रखें जहां पर लोगों की एक्सेस ना हो। ये सारी वही जनरल बातें बताई गई हैं, बार बार रिपीट होंगी यहां पे। नंबर 5 है रिकॉर्ड कीपिंग एंड फीस। हम साइकोलॉजिकल टेस्ट की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, इसका रिकॉर्ड रखते हैं। इसके अंदर कह रहा है कि साइकोलॉजिस्ट को ज़रूरी है कि वो अपने क्लाइंट्स के रिज़ल्ट को ऐसी जगह पर रखे जहाँ पर वो लोगों की एक्सेस नॉर्मल लोगों तमाम लोगों की एक्सेस ना हो। आगे मेंटेनेंस है, डिसमिनेशन डिस्पोजल ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक वर्क है, विद होल्डिंग रिकॉर्ड फॉर नॉन पेमेंट। यहाँ पे विद होल्डिंग रिकॉर्ड के अंदर कह रहा है कि बाज़ अवकात ऐसा होता है कि आपने अपने क्लाइंट को रिकॉर्ड देना है, उसको उसके जो असेसमेंट उसको रिकॉर्ड चाहिए, उसको ज़रूरत है इस चीज़ की, लेकिन आप उसको होल्ड कर लेते हैं अपने पास सिर्फ इसलिए कि उसने अभी तक आपको पेमेंट नहीं की होती, या अनएथिकल ऐसा आप नहीं करेंगे। फाइनेंशियल एग्रीमेंट और फीस वगैरह पहले ही आप बता दें अपने क्लाइंट को कि क्या होगी आपकी फ़ीस और जो है वो आपको कितने अरसे में क्लाइंट को अदा करनी होगी। बार्टर कर सकते हैं, बार्टर सिस्टम जो है कि चीज़ों की लेन देन होती है, आप एक चीज़ ले के अगर आपका क्लाइंट जो पैसे पे नहीं कर सकता, फीस पे नहीं कर सकता, तो आप उसके बदले में उसके उससे दूसरी सर्विसेज ले सकते हैं। एक्यूरेसी इन रिपोर्ट टू पेयर्स एंड फंडिंग सोर्सेज, आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाएं बिल्कुल क्लियर हो, इसमें किसी किस्म का झूठ नहीं होना चाहिए। असेसमेंट के अंदर कह रहा है कि बेसिस फॉर असेसमेंट, इसमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि असेसमेंट क्यों की जा रही है, ताकि असेसमेंट को फोकस तरीके से किया जा सके, उसके रिलेटेड टूल्स और टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सके। यूज़ ऑफ असेसमेंट, इसमें आमतौर पर स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है कि वो आगे किसी फील्ड में आगे किस फील्ड में जा सकते हैं, वो कैसे जॉब्स सेलेक्ट कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट इन टूल्स का इस्तेमाल करें जो कि वैलिड और रिलायबल हों। इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए, वही सेम जो मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ हाइड नहीं करनी क्लाइंट से, हर चीज़ बतानी है, क्या मकसद है एक्सपेरिमेंट का, एक्सपेरिमेंट में क्या तरीकाकार होगा असेसमेंट का, उसके रिज़ल्ट क्या है, हर चीज़ जो है उसको ब्रीफ करनी चाहिए। इंटरप्रिटेशन असेसमेंट रिज़ल्ट,
असेसमेंट के रिजल्ट जो आप इंटरप्रेट करते हैं या इंटरप्रिटेशन के लिए मज़ीद मालूमात रिक्वायर हैं तो वो हासिल करें, जिससे बेहतर तरीके से इंटरप्रिटेशन हो सके, जितने बेहतर तरीके से करके इंटरप्रिटेशन हो सके वो आप करें। आगे असेसमेंट बाय अनक्वालिफाइड पर्सन, कोई अनक्वालिफाइड पर्सन अगर आप किसी चीज़ में अनक्वालिफाई हैं आप, तो आप वो काम ना करें या फिर असेसमेंट को किसी अनक्वालिफाइड बंदे के हवाले ना करें। एब्सोल्यूट टेस्ट एंड आउटडेटेड टेस्ट रिजल्ट्स, कोई भी टेस्ट या इंस्ट्रूमेंट ऐसा इस्तेमाल ना करें जो कि बहुत पुराना हो चुका है, वो ज़्यादा रिलायबल जो ज़्यादा रिलायबल नहीं रहा। एक्सप्लेनिंग असेसमेंट रिजल्ट्स, ये भी बहुत ज़रूरी है कि असेसमेंट के बाद जो रिपोर्ट तैयार करें अपने क्लाइंट को उससे आगाह करें। वही चीज़ें बार बार मैंने आपको बताया, रिपीट हो रही हैं। थेरापी, इन्फॉर्म कंसेंट टू थेरापी, वही चीज़ के क्लाइंट को बताएं, इन्फॉर्म करें। जब कोई क्लाइंट हमारे पास थेरेपी के लिए आता है तो ये चीज़ ज़रूरी है कि हम इसको थेरेपी के अमल के बारे में डिटेल से बताएं, ये थेरेपी के क्या चीज़ है, इसमें किस किस्म के इस सवालात पूछे जाएंगे, इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, कितनी ड्यूरेशन है इसकी, ये सारा कुछ बताना ज़रूरी है। थेरेपी इन्वॉल्विंग कपल और फैमिलीज और कपल्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी कि क्लाइंट है तो उसके साथ उसको फैमिलीज़ को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है बाज़ू का। ग्रुप थेरेपी के अंदर ज़्यादातर ज़्यादा लोग हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उसको ग्रुप थेरेपी कहते हैं हम। प्रोवाइडिंग थेरेपी टू दोज सर्व्ड बाय अदर्स, यानी कि हो सकता है कोई किसी और क्लाइंट साइकोलॉजिस्ट से हमारे पास एक बंदा आ रहा है या किसी थेरापिस्ट के पास से हमारे पास कोई बंदा आ रहा है, तो उस थेरापिस्ट के साथ उसके पास जो होगी पहले से फाइल मौजूद होगी, उसकी डिटेल मौजूद होगी, उसको भी दोबारा से देखें। सेक्सुअल इंटीमेसीज विद करंट थेरापी, अपने थेरापी क्लाइंट के साथ किसी किस्म का सेक्सुअल रिलेशन कायम ना करें। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, टर्मिनेटिंग थेरापी या इंटरप्शन ऑफ थेरापी, ये जितनी भी चीज़ें ना, टर्मिनेटेशन से मुराद है कि आप अगर थेरापी को ख़त्म करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो आपके लिए पास इसकी वैलिड रीज़न होना चाहिए। फर्ज करें आप जॉब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और आप रिटायर होने वाले हैं, तो आप क्लाइंट को पहले से बताएं कि भाई मैंने इस डेट तक आपके पास होना, उसके बाद मैं आपको किसी और के पास रेफ़र करूँगा। उस सूरत में थेरापी जो है टर्मिनेट हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, या फिर अगर आपका क्लाइंट आपके से सेटिस्फाइड नहीं है, आपकी जो इलाज उसका नहीं चल रहा, तो आप थेरापी को रोक सकते हैं। या फिर इसके अलावा और भी बहुत सी रीज़न है इसके अंदर, आपके और क्लाइंट के दरमियान कन्फ्लिक्ट्स हैं, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल से नहीं दिया गया, इसी के अंदर हम इंशाल्लाह जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर तो यहाँ पर डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी हमारा जो लेसन है ना, सब्जेक्ट है, उसके अंदर हम इन चीज़ों को इंशाल्लाह ताला डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये था हमारा लेसन व्यूअर्स PSY 401 का। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।